डॉन ऑफ़ द मॉडर्न फिजिक्स टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ द वेव नेचर ऑफ़ पार्टिकल्स कि पार्टिकल्स की वेव नेचर को किस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं ऑल पॉसिबल एम सी को यहाँ पर डिस्कस करूँगा और आंसर्स को मैंने ऑलरेडी बोल्ड कर दिया तो ये एम सी कोज आपके फिजिक्स के कंपिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे क्वेश्चन वन एन अलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है इलेक्ट्रॉन हैव ए वेव नेचर इलेक्ट्रॉन की जब वेव नेचर देखी गई तो उसके मुताबिक फिर हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कंस्ट्रक्ट किया क्वेश्चन बात करते हैं टू की विच टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव लेंथ इज यूज इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सट्रीमली शॉर्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो वेव लेंथ होती है वो एक्सट्रीमली शॉर्ट रखी जाती है ठीक है क्वेश्चन बात करते हैं थ्री की व्हाट इज द मैग्नीफिशेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ठीक है मैग्नीफिकेशन क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की राइट right आंसर इसका है टू लैख डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर द चीफ एडवेंटेज चीफ चीफ मीन बड़ा एडवानटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओवर एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो आम लाइट हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बड़ा एडवानटेज क्या है एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप राइट आंसर इज यहाँ पे डी है ऑल ऑफ दिस ऑल ऑप्शन को रीड करें देन आप इसमें से चूज करें क्योंकि समटाइम ऑल ऑफ दिस नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी होता है तो इसलिए मैंने तो ऑलरेडी इसकी रीडिंग करके आंसर्स को बोल्ड कर दिया आपकी ताकि टाइम कम लगे लेकिन आपने सारे ऑप्शन स्टीड करने हैं, देन आंसर्स देने आपने क्वेश्चन फाइव की बात करते हैं द स्क्रीन यूज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो स्क्रीन बनाई जाती है वो फ्लोरिसेंट मटीरियल की बनाई जाती है सी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन सिक्स ए थ्री डायमेंशनल इमेज ऑफ द रिमार्केबल क्वालिटी कैन बी अचीव्ड बाई मॉडर्न वर्जनस कॉल्ड ठीक है थ्री डिमेंशनल इमेज को हम देखते हैं बाई स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ठीक है सेम इसको कहते हैं फेमस नाम है सेम ऑल द बेस्ट टेक केयर नेक्स्ट लेके चलेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज़